द स्वागत बा विश्व के सबसे छोटे गायक ए गाई ए भाई तू जा लो तुम्हारे काम हो गुला अब हमारा काम अब शुरू हुई मुहावा से हेलो हेलो मुहावा से हेलो हेलो हाथवा से टाटा ए टू पहाटा वाली तो पे मोहन भैले लाटा ए टू पहाटा वाली तो पे मोहन भैले लाटा ए टू पहाटा वाली मुहावा से हेलो हेलो मुहावा से हेलो हेलो हाथवा से टाटा ए टू पहाटा वाली तो पे मोहन भैले लाटा चढ़ल बा जवानी उमर को मसीन बा तोहर लाल गाल बाड़ा रे हसीन बा ओ न चकी के ओ न चकी के गोरी खाल तू हुआ टा ए तू पाटा वाली ए तू पाटा वाली तोहके मन भइले लाटा ए तू पाटा वाली तोहके मन भइले लाटा ए तू पाटा वाली तोहके मन भइले लाटा ए तू पाटा वाली इनसे बैठ के बतियाई हम खड़ा रहते भगवान का ऐसा क्रिएशन एगो ऐसा रचना जहां पे इनकरा के देख के सबके सोचे के चाहिए कि बाबू हाथ गोड़ होके के बावजूद हमनी लोग दुख में जाइला सब कुछ होके के बावजूद ई लड़का के देखा ये अपन शक्ति बना ले ले अपने आप के इनके स्टाइल देखा ये जूनियर रवि किशन बाड़ा हम तक खाली निहारत है इनका गजब के आत्मशक्ति और आत्मबल है आप में गजब के ये बताइए वो कौन थे जो आपके साथ में दो लोग आए थे हमारे चेला अच्छा ये बताइए हमके एक जानकारी मिलल है बताइए आपके एगो प्रेमिका बड़न बावन उनकी कितनी हाइट है रवि भैया के ही जले थी आपकी प्रेमिका रवि किशन जी के बराबर लंबी हैं। अरे तो फिर उनसे बातचीत आंख में आंख या कोई गाल पे चुम्मा तो कैसे होत हुई हो जला टेबल कल्पना जी का कहबा इस भगवान की अद्भुत लीला के बारे में सीरियस नोट पे गायकी को देखते हुए जहां तक मेरी बात है दोनों की ओके दोनों की इनके पियर मिलकर येलो सिग्नल मतलब इनकर बुलावा आ सकेला भीतरी हम गुनी भैया हमारे कितना सामान मिलल है रवि भैया सब कोई हमारे पर खुश भइल है घोटाली बहुत खतरनाक बम एगो आयल रहे अब झारखंड से कौन बम आई हो भैया अब हम एगो ऐसन नारी शक्ति भेजब जे तलवार से नहीं अपन सुर के लहर से सबके ऊपर कहर ढा दी ओ सुर के लहर से कहर ढलियन और उनका नाम बाटे शालिनी दुबे शालिनी दुबे सुनी बास जरिया समझ लखना हमरा सुनी बास जरिया समझ लखना पिया निर मोहिया विदेशिया नैले पिया निर मोहिया विदेशिया नैले समझ लखना हमरा सुनी बास जरिया समझ लखना हमरा सुनी बास जरिया
जब जब बरसेला रिम झिम सवानवा, जब जब बरसेला रिम झिम सवानवा, का कहीं सजन का कहूं। सुर रस असर में जौने तरह से डूब कर गैलू तू शालिनी। थैंक यू मैम। कौनो असर जल्दी जिन पर ना आवे वो तो आपे मुहाए गैली है इसी मालिक। वाह 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 क्या बात वाह। ये कुर्सी हट जाए और हम सिर्फ श्रोता बनकर आह और वाह करें वैसा करें। क्या बात वाह 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 मालिनी जी फैंटास्टिक। कल्पना जी का कहूं। परफेक्ट कुछ है ही नहीं। और खासकर वो जगह आपने जो लिया ये मीड मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं एक छुके गया बहुत अच्छा। और हमने तो अब तक बात नहीं की लेकिन सांच को आँच नहीं ना। हाँ। मेरे पापा मुझे फोन करके बोल रहे थे कि 17 साल से मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, इस बार तुम्हें मुझे गिफ्ट देना है। और मैंने वो गिफ्ट दिया उन्हें। पापा बहुत खुश होंगे। और ये बेटी का गिफ्ट नहीं है, ये एक शिष्य का गिफ्ट है गुरु के लिए। क्या बात है। चार साल से हम महुआ चरण में आवत रही लेकिन आज 4 साल बाद हमके सफलता मिलल बा। हरेक दावेदार के साथ कोच लोग के भी चुनौती एगो अच्छा सेना बनावे के बढ़त जा रहा बा। शुरुआत के सुर ऐसन बा ता आगे का घमासान के सूरत कैसन हुई जरा सोचा। तो खोज के आगे बढ़ावल जाए और देखल जाओ कि अगला कौन दावेदार मंच पर दावा ठोके उतर रहल बाड़न। ता मोहन बाबू भैया कौन योद्धा के अब उतारे चल। बाबा भोलेनाथ के नगरी से माने विकास तिवारी जी। जय हो महादेव के नगरी से बम बम बोल रहा है काशी तिवारी जी की जय हो। दियना बारी धैल ना जन दियना बारी धैल ना जननी दियना बारी धैल ना जननी मन बहुते पछतात हो मन बहुते पछतात हो सजना ठाढ़े दुअरवा बाटे सजना ठाढ़े दुअरवा बाटे लेके साथ बरात हो लेके साथ बरात हो दियना बारी धैल ना जन बभनायाई बैठा ले आगे बौराहिन अस देहिया लागे
भनायाई बैठा ले आगे हित कवार करे ना दिहला हित कवार करे ना दिहला सजना बा खिसियात हो सजना बा खिसियात हो बहुते पछतात हो दियना बारी धैल ना जननी धैल ना जननी धैल ना जननी बहुत बढ़िया जय हो का लगत आप मोहन बाबू अब कुछ कहब ना हम हरियर मिली विश्वास तो बा लेकिन अब कुछ भी हो सकेला यूपी से अभी तक हरियर ना मिटाइल बा झारखंड के मिल गई बिहार के मिल गई उत्तर प्रदेश के हरियर ना भेटाइल देखल जाओ उत्तर प्रदेश का भविष्य बाटे ई मंच पर आज के दिन मान लीजिए विकास बढ़िया गौला बहुत बढ़िया रचना के बहुत मिजाज के साथ सुर में डूब कर जौन भाव रहल ओकरा के बढ़िया से पेश कहना और बनारस के रंग देखे में मिलल की पूरा राग और शास्त्रीयता के पूरा सराबोर करके गीत गीत के प्रस्तुति रहल बाकी अंतरा में आवाज के का हो गेल तुहार आवाज और आवाज ना केवल टूट गए बल्कि वहां जाकर पूरा सर के पूरा छू करके वापस भी नहीं अभी आ गए काहे थोड़ा सर्दी हो गई बा नहीं लेकिन सर्दी में आपके मुखड़े में बाकी गाने में हमके तो नहीं कहीं अंतर स्केल नीचे का ले लेते ऊपर का ना लेते क्योंकि सिर्फ वॉइस नहीं क्रैक करी है ऊपर जब आप गए हैं तो वो घूम करके वो टूटना आवाज़ का हम लोग भी समझते हैं लेकिन पहली लाइन में सुर से भी हटक गए और गाने का जब पिकअप ले रहे थे उस समय शुरुआत में भी सुर हल्का सा एकदम जब आपने शुरू किया है एक्चुअली लास्ट लाइन मालिनी जी ने जो कहा वो मैं वही मैं बोलने वाली थी आपने बोल ही दिया और मुझे बहुत टेक्निकलिटी आप पे गया नहीं मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाई मैं ज़्यादा उस धुन पे रम गई अच्छा गाया लेकिन आप ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा बाकी है और कुछ अच्छा होगा और एक लगन की ज़रूरत है समय चाहिए हम लोगों के येलो लाइट पियर सिग्नल लेकिन कोनो उदास होकी का जरूरत नहीं थी कहें कि येलो मतलब पियर का मतलब कि न्यायमंडल एंड में सोचियन ओकरे बाद मौका दिहल जाई हम दो साल से ट्राई करत ली सुर संग्राम में आवेगा हमार तो मन करत बा कि इंटरेस्ट थोड़ा लोग भयल है लेकिन अब आगे बाबा विश्वनाथ के इच्छा आलो कौन दावा फेंकबा कौन योद्धा के देबा सुखाड़ी आ गई बा भैया यूपी में मुंह देखी तो मोहन भाई के अरे ऐसे नहीं अच्छे लग रहे हो चलिए कोई बात नहीं देर आएंगे भैया पर दुरुस्त आएंगे कोई बात नहीं चलिए ठीक बा भैया अब की बार हम ऐसन सुर के सैनिक भेज रहे बानी एगो ऐसन ले की बारिन काहे कि मेगा ऑडिशन में हमरा के नचवेले रहली पर मैं चाहती हूँ एक बार आलोक सर मेरे साथ यहाँ के गाना गाए और डांस गाए ओ ओढ़नी के रंग पियर ओढ़नी मामला कुछ गंभीर बाटे ओकर नाम बाटे भैया स्नेह उपाध्याय स्नेह उपाध्याय जी स्वागत बाटे आपका जिनका नाम लेते ही आलोक बाबू का गाल टमाटर नियन लाल हो गई स्वागत चल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान चल चले ले उतान हरदम कचरे ले पान मैं फिरी पाटो कान रंग बाज रह जाके मैं फिरी पाटो कान रंग बाज रह जाके चल चले ले बाजरा
भाई लोग बाबू एक बात कहें भैया, लाल टी शर्ट थी दोनों मैच करत का कहा हुआ ठीक लगल भैया, अब बाकी तो मान ले दीदी कल्पना दी है। बस हम इतना कहब कि पूरा बहुत सारा सिनेमा देखलू, हीरोइन वाला अदा बहुत हम देखनी, एगो हीरोइन का रूप बाड़ू। जी सर, आपका आशीर्वाद पाके बहुत सी लड़कियां हीरोइन बन चुकी हैं, गायकी तो है बट मैं चाहती हूँ रवि आप भी मेरे मेरे सर पे हाथ रख दें और ताकि मैं भी इस मुकाम को पा लूं। बेटा सुर संग्राम को ऑडिशन खत्म, इन्हें इसे बतिया ला, वहीं पे जिंदगी बढ़िया से बन जाए। गायकी से पहले तो बोलना पड़ेगा जो आप बोल गए सब कुछ सही में, खासकर यहाँ पे आके जब आप बैठे और अब जो एटीट्यूड के साथ कुर्ता पहने थे होने के नीचे ओवरलोड पिस्टल खोलते टाढ़ावे के बीचे, वो एटीट्यूड भयानक था, मींस बहुत ही कॉन्फिडेंस। और याद है माननीय सुर संग्राम वन में हमने किसी को बोला था कि आपको एक्ट्रेस बनना चाहिए, हीरोइन बनना चाहिए, और बाद में वो चली भी उस राह पे, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई जी। सो शायद रवि जी ने आज कहा है और आगे शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। गायकी के बारे में बहुत खुश मैं तो नहीं हूँ, बहुत खुश नहीं हूँ, बाकी मालिनी जी बोलेंगे और किसी बात देख लेंगे। नहीं, कल्पना स्वयं बहुत सुरीली हैं और बहुत अनुभवी हैं, एकदम सही कहा इन्होंने। और ये बात सच है बेटा कि टेलीविजन आजकल एक ऐसा सशक्त माध्यम है जहाँ पर ऑडियो विजुअल आपका प्रेजेंटेशन होता है, माने कि गायकी के भी नंबर मिलेला और देखे में कैसन तुहार प्रस्तुति बाटे ओकरा भी यहाँ पर हम लोगों के द्वारा कम से कम जरूर ये बात के हम लोग ध्यान में रखल जाला कि ढेर लोगन आपके दिखी हैं तो का सोची हैं का कहिए कि हाँ ठीक लगन कि नहीं, तक प्रस्तुति परफॉर्मेंस वाइज बड़ा नीमन लगल। लेकिन जहाँ तक गायकी के बात रहे तो अभी बहुत 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 मेहनत करे के बा, और ये सुझाव बहुत बढ़िया है। और हमके तो लगता है कि आप लोगों की बातचीत सुन के कि आपके भी जो रुझान बाटे वो गायकी से ज़्यादा एक्टिंग के प्रति बाटे, यदि ऐसी बात हो तो आप ज़रूर उस तरफ सोचिए। गायकी की ओर से तो आप बताएं भाई क्या कहती हैं। चलिए सखी ने कह दिया, ये लो। पूरा बेस्ट देंगे आप, बट शायद कोनो गलती हो गई है हमारे हिंदी से, बाकी हमारे परफॉर्मेंस तो उन लोग के पसंद आई, बाकी हो सके था गायकी में कोनो कमी हो गई लला, लेकिन हमके पीला पीला बत्ती दिल बनी ताकि हम अभी वेटिंग में बनी, सब परफॉर्मेंस हो जाए तब हमारा फैसला सुनाएंगे।